आज से अपनी जनविश्वास यात्रा के दूसरे चरण पर निकले हैं। यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार सब बिहार की जनता उब चुकी है। तेजस्वी ने बिहार की जनता को 3 मार्च को पटना में आयोजित जनविश्वास रैली में आने का निमंत्रण भी दिया। अब उनको काम काज में मन नहीं लग रहा, जनता भी उनसे उब चुकी है, उनके पार्टी के लोग भी उनसे उब चुके हैं, उनके सहयोगी भी उनसे उब चुके हैं, और यही नहीं अधिकारी भी उनसे उब चुके हैं। तो इस तरह से बिहार जो है आगे नहीं बढ़ने वाला, इस तरह से बिहार में विकास संभव नहीं है। और मांझी जी ने ठीक कहा कि 4 विधायक हैं उनके, 4 विधायकों वाला दल है उनका, और आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पद पर मुख्यमंत्री के हैं तो आज मांझी जी के बदौलत ही मुख्यमंत्री पद पर है। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले इसका जवाब दे कि कौन किससे परेशान है, अगर ऐसा नहीं है तो उनकी पार्टी के विधायक उनका साथ छोड़ एनडीए के साथ क्यों आ गए। ये अभी तेजस्वी यादव तुरंत विपक्ष में गए और विपक्ष में जाने के बाद तरह तरह की बात लोग बोलते रहते हैं। ये तो तेजस्वी जी को खुद देखना चाहिए कि अभी जो है उन्हीं के विधायक भाग के हम लोगों के साथ आ गए, उनके विधायक वहाँ से छोड़कर हम लोगों के पास आ गए, तो समझिए कि कौन किससे परेशान है। और 2024 में उन्हें पता चल जाएगा कि जनता किससे परेशान है, जनता में क्या मैसेज है। अगर हम लोग 40 में से 40 सीट नहीं जीतेंगे तब ना आप बोलिएगा कि जो है कहीं कोई दिक्कत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू तेजस्वी घोटाले के लिए ही जाने जाते हैं, अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाने की भूल नहीं करते तो इन्हें सरकार में आने का मौका ही नहीं मिलता। देखिए जिस व्यक्ति का डीएनए ही लूटपाट भ्रष्टाचार हो, तेजस्वी यादव आरजेडी के उप मुख्यमंत्री के रूप में आए और वो उनका डीएनए है कि लालू जी के पुत्र हैं, लालू जी का ख्याति है घोटालों से जुड़ा हुआ। और ये बता दें कि 18 महीना में 5 विभाग के मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे, कितने लोगों को रोजगार दिया ये तो बता दें। अरे भाग मनाबे लालू यादव और नीतीश कुमार, उनको साथ ले लिया, उनका वनवास हट गया, नहीं तो नीतीश कुमार के गलतियों इनका कहीं अता पता नहीं होता। ये तो मैं कल भी कहा आज भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के भूल के कारण लालू यादव और तेजस्वी का उदय हुआ है। ये नीतीश कुमार का लॉकेट लटका करके घूमे ज्यादा बेहतर होगा, न कि उनको गाली देते। लोकसभा चुनाव को लेकर मिथिला क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर तैयार